नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात किया जाएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट एग्जाम को लेकर। आंसर किया चुकी है, कट ऑफ का वीडियो लगातार आता जा रहा है यूट्यूब पर, चलिए वो अलग की बात है, सब अपने तरफ से कट ऑफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बात किया जाएगा रिजल्ट को लेकर, क्योंकि रिजल्ट को लेकर देखिए मैं जानता हूँ इतना श्योर हूँ कि 99% को कुछ जानकारी नहीं है, हवा में तीर चला जा रहा है कि 10 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन लेकर चला जा रहा है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन ने बताया था कि हम 20 से 25 दिन दे देंगे। लेकिन सच्चाई क्या मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आप रिलैक्स मोड में हो जाइएगा। जो भी समाचार आपको अधीनस्थ सेवा चयन पेट के रिजल्ट को लेकर मिलेगा, आप जानते हैं मेरे चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है पेट को लेकर 99% नहीं 100% सही होती है, ठीक है। तो जो जानकारी मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से दीजिएगा। अधीनस्थ सेवा चयन इस टाइम चल क्या रहा है, जो आपके कॉपी जांचने की प्रक्रिया के लिए उसके बारे में बताया जाएगा और रिजल्ट को लेकर। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की जानकारी सटीक चाहते हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैक्सिमम वीडियो मुझे देखने को मिल रहा है कि और ग्रुप में भी मेरे आ चुका है, ये बात वायरल हो चुकी है कि 15 सितंबर को रिजल्ट आ रहा है। तो सच्चाई में बता दूं 15 सितंबर को रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सारे बात ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों 15 सितंबर को रिजल्ट आपका 1% भी नहीं आ रहा है, ये एकमात्र मनगढ़ंत कहानी है कुछ व्यू के लिए, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ठीक है। 1% 15 सितंबर को रिजल्ट नहीं आ रहा, और जो मैक्सिमम मुझे लगता है सितंबर में आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, ठीक है, सितंबर में मैक्सिमम चांस रिजल्ट ना आने का। तो जिन चैनलों द्वारा सितंबर का डेट दिया जा रहा है वो मात्र एक व्यूज और सब्सक्राइबर बेस्ड चैनल है, ठीक है, जानकारी के नाम पे जीरो है, बस मनगढ़ंत कहानी बना के पेश कर दिया जा रहा है आपको। जो मुझे पर्सनल जो लग रहा है अभी जो तत्काल कॉपियां जांचने की प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन चल रही है, उस हिसाब से सितंबर में भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, जो मैक्सिमम चांस है, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी जो अधीनस्थ सेवा चयन में लाख सवाला की बात चल रही है कॉपी जांचने की, अभी वो भी नहीं जांच रही है, ठीक है, अभी कॉपियों की संख्या 1 लाख भी नहीं हुई है। लेकिन जो आयोग ने जो अपनी एजेंसी उसको बोला है कि कम से कम संख्या 1.25 लाख से 1.5 लाख होनी चाहिए, उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है, जो हमको लगता है अगले इसी सप्ताह तक हो सकता है मैक्सिमम चांस है आपको उस पर काबू कर लिया जाएगा। तो कम से कम आप जानते हैं 15 से 20 दिन आपको कॉपी जांच में लगेगी, यदि आज से आज 15 दिन जोड़े तब भी आपका 20 तारीख चला जाएगा, 20 तारीख के बाद आपको रिजल्ट बनाने में 5 दिन समय लगेगा और 5 दिन आपको, यदि 20 तक आपका रिजल्ट बन रहा है तो 5 दिन आपको लग जाएगा और आपको जो रिजल्ट बनाने में लग जाएगा और 5 दिन हो सकता है कटापटा लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करने में लग जाएगा। तो भैया कम से कम आपको 25 सितंबर तक तो 1% चांस नहीं है, यदि इसके पहले यदि कॉपियों का स्पीड अधीनस्थ सेवा चयन ने पकड़ लिया 1.5 लाख तो हो सकता है 25 तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 20 तक 1% चांस नहीं है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को रिजल्ट दे देगा। जो जानकारी रहती है भाई आपको ऑफिशियल दी जाती है, आप जानते ही हो, कुछ 2-4 दिन में मैटर क्लियर हो जाएगा, यदि 1.5 लाख कापी जितना शुरू होगी 1.25 से 1.5 लाख तो हो सकता है 25 तक कुछ संभावित हो सकता है, लेकिन अभी स्थिति 25 तक भी नहीं है और ना ही 30 तक है उसको देखते हुए। तो जो जानकारी आपको दे दी गई है, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट कीजिएगा और बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों लेखपाल भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके चक्षु पब्लिकेशन ने प्रीवियस बेस एग्जाम को देखते हुए, जो राजस्व लेखपाल का एग्जाम था उसको देखते हुए, UP SSC के जितने एग्जाम हुए हैं पिछले 7-8 साल में उसको देखते हुए, सारे आपके पैटर्न को कवर करते हुए चक्षु ने एक बहुत ही बढ़िया बुक प्रोवाइड करा है, जिसमें आप पढ़ने के बाद जहाँ तक मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है 70 से 80 नंबर आसानी से आप ले सकते हैं, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश ग्राम समाज के बारे में अलग से दिया गया टॉपिक वाइज, आपको राजस्व लेखपाल के जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जितने भी UP SSC के जितने भी 2013 से लेकर 2020 तक एग्जाम हुए सारे चीज़, और आपको बुक प्रोवाइड करा दिया गया पढ़ने के लिए जिसमें गाइड बोलते हैं जिसको। तो टोटल पाठ्यक्रम आपको इस बुक में मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तुरंत जाके ये बुक ले लीजिए, सारे चीज़ की आपको अलग अलग प्रोवाइड मटेरियल प्रोवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप चक्षु पब्लिकेशन का आपका बुक है जो आपका गाइड के बारे में बताया गया है, 1200 से ज़्यादा प्रश्न इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसमें जाके नीचे पाठ्यक्रम दिया, पूरा डिटेल से दिया, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट कवर किया गया है, ठीक है। तब जो बुक का प्रिंटिंग का तरीका है, बुक का सिलेबस है, जिसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एड किया गया है, सबसे बड़ी बात है इसमें एरर आपको कम देखने को मिलेगा, तो ये अन्य बुकों की तुलना में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम देख सकते हैं टोटल, देखिए जहाँ पे 1400-1500 क्वेश्चन आ जाएंगे 2000 ना, तो उसके बाहर आपको क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेगा, इसलिए पाठ्यक्रम को अलग रखा गया, गाइड को अलग रखा गया, अब आपको मॉक टेस्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट उसको अलग अलग कर दिया गया, तीनों चीज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, तुरंत जाकर आप ले लीजिए। जय हिंद।